गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला कि आप कैसे अपने फोटो में विजय मार की तरह डिटेल्स क्रिएट कर सकते हो। आप गाइस अपने विजय मार की मैक्सिमम फोटोज को देखा होगा, उनके फेस में और उनके फेस के आसपास या उनके फोटोज में कितने अच्छे तरीके से डिटेल्स मेंटेन रहती है, टेक्स्चर होता है और उनकी फोटो बिल्कुल शार्प रहती है। तो आप कैसे वो सब अपने फोटो में डिटेल्स वैसे ही मेंटेन कर सकते हो, वो भी सिर्फ मोबाइल फोन से, आपको मैं हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर और गाइस ये रहा हमारा फोटो। तो गाइस इस वाले फोटो में बहुत कम डिटेल्स है, तो गाइस मैं आप लोग इस वाले फोटो में डिटेल्स क्रिएट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइट के ऑप्शन में आना है और आपको अपने फोटो का यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर को सबसे पहले हल्का सा करूंगा प्लस, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे मैं हल्का सा माइनस करूंगा, तो मेरे का -19, जिससे हमारी फोटो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। हाईलाइट को आपको पक्का इंक्रीज रखना है, तो मेरे का +22। शैडो को हम लोग यहाँ पे करेंगे इंक्रीज, जिससे हमारी जितनी भी डार्क पार्ट है वो हल्की तरीके से ग्लो हो जाए। फिर आपको व्हाइट को यहाँ पे करना है कम और ब्लैक को आपको फिर से इंक्रीज कर देना है। तो इतना हमारा हो चुका है। अब इतना करने के बाद आपको सिंपली कलर के ऑप्शन में आना है। यहाँ पे मैं वाइब्रेंस को इंक्रीज करूंगा, जिससे फेस में जितनी भी मतलब हल्की सी लाइट्स हैं या जो भी कलर्स है वो अच्छे तरीके से सैचुरेटेड हो जाए। सैचुरेशन को मैं यहाँ पे करूंगा कम और यहाँ पे मैं टेम्परेचर को माइनस की तरफ लेकर चला जाऊंगा। इतना हो चुका है। उसको देखो सिंपली मिक्स टूल में आना है। यहाँ पे जो सेकंड हमारा होता है वो मेरे स्किन का कलर होता है, तो इसका मैं लुमिनस यहाँ पे प्लस करूंगा, जिससे मेरी हल्की सी ब्राइट हो जाए। सैचुरेशन को मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस। तो इस फोटो में कोई भी कलर्स उतनी है ही नहीं, तो उसको हमको यूज़ ही नहीं करना है, सिंपल आपको छोड़ देना है यहाँ पे। फिर आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, टेक्स्चर, क्लैरिटी, डेज एंड विनिएट। तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लैरिटी को आपको +20 रखना है। कितना रखना है, +20। 20 से मिनिमम मत रखना, 15 भी आप रख सकते हो, बस 20 मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। सिंपली करूंगा 20, यहाँ पर कर दिया 20 के आसपास। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से मुझे वो टेक्सचर वाला ऑप्शन मिलता है, उसको आपको अभी छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, अभी आपको उसको सिंपली रहने देना है। हल्का सा विनियट को हम लोग यहाँ पर करें कम। इतना हो चुका है। अब देखिए पहले से हमारी स्क्रीन में अच्छे खासे डिटेल्स आ चुकी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बिफोर और आफ्टर। क्लैरिटी की वजह से अच्छी खासी डिटेल्स हमारी आ चुकी है। उसको देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको ग्रेन का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ। अब ग्रेन के ऑप्शन को क्या करना है, अब आपको तो पता है कि ग्रेन का ऑप्शन काम करता है पॉइंट की तरह, ठीक है। मतलब ग्रेन अगर आप इंक्रीज करो तो आपके फेस पे हल्की हल्की डॉटेड आती हैं, पूरे फोटो पे आता है लेकिन हल्की हल्की डॉट आती है। तो इसको आपको क्या करना है, 10 पे आपको रख देना है। 10 सिंपली आपको क्या करना है, इसको 10 कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10, जिससे हल्की हल्की डॉटेड आ चुकी है फोटो पे, आप देख सकते हो। अब उसको आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको मिड पॉइंट को करना है कम, फीदर को इंक्रीज करना है और राउंडनेस को +100, जिससे हल्की सी फोकस हमारे फेस पे आ जाए। आपको मैंने सेटिंग बता दी कि क्लैरिटी को आपको कितना रखना है, मिड पॉइंट के बारे में आप लोगों को बता दिया और ग्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपको इस वाले टूल में आना है, यहाँ पे आपको शार्पनेस को +20 रखना है। कितना रखना है, +20। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको करेंगे +20। तो ये 20 हो चुका है। अब आपको एक चीज, आप हमेशा गलती करते हो कि आप अपने फोटो के मास्किंग नहीं करते हो, आप अपने फोटो का मास्किंग पक्का से पक्का किया करो। तो यहाँ पे आपको डबल टैप करना है सिंपली और आपको अपने फोटो का मास्किंग यहाँ पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर लेता हूँ पहले, तो देख लेता हूँ कहाँ गया ये वाला ऑप्शन और सिंपली मैं क्या करूँगा 74 मैंने रखा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, अब इसमें आपको जो पहले वाला ऑप्शन मिलता है ना रिमूव वाला, उसको आपको सिंपली इसको इनेबल कर देना है। इनेबल हो चुका है। अब इतना हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइट के ऑप्शन में आना है, ऊपर आपको कर्व टूल का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, उस पर आपको सिंपली यहाँ पे करना है क्लिक। यहाँ पे एक डॉट बनाना है, इस डॉट को नीचे की तरफ आपको लेके आना है, हल्का सा इसको नीचे की तरफ आपको लेके आना है। हो चुका है। फिर आपको सिंपली यहाँ से कर देना है डन। तो ये देखिए आपके फोटो में कितनी कमाल की डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं धीरे धीरे। आप देखो शार्पनेस प्लस ग्रेन्स, उसके साथ साथ हमारा टेक्स्चर, बहुत कमाल का यहाँ पे डिटेलिंग क्रिएट हो चुका है। इसको देखो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट टूल के ऑप्शन में आना है, यहाँ से प्लस के आइकन पे आ जाना है और सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मैं करूँगा लेटर और यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा रेडियल ग्रेन को आपको ले लेना है। आपको सिंपली आपके फेस पे कुछ इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या सेटिंग अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली आ जाना लाइट में, एक्सपोजर को आपको सिंपली प्लस करना है और शैडो को कभी भी आपको माइनस रखना है, ठीक है। फिर आपको इस वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी को +10 रखना है और यहाँ पे आपको टेक्सचर को अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है। वहाँ पे मैंने बताया था ना कि आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो मेरे को सिंपली यहाँ पर 10, इतना हो चुका है। फिर इस वाले ऑप्शन में जाकर आपको सिंपली क्या करना है, शार्पनेस को आपको इंक्रीज करके आपको इसको भी 10 कर देना है और नॉइज़ को आपको -10 रख देना है, ठीक है। आप एक बार सेटिंग देख लो, नॉइज़ को -10, शार्पनेस को +10 और इसका भी आपको +10 और +10 और फिर आपको सिंपली यहाँ से कर देना है डन।
ये देखिए आपकी फोटो में कितनी कमाल की डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका बिफोर, ये देखिए बिल्कुल बहुत कम डिटेल्स थी, अब ये देखिए आफ्टर कितनी कमाल की डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। और आपकी फोटो देखिए कितनी अच्छे तरीके से शार्पनेस वाली लग रही है, बिल्कुल बियर्ड हमारा शार्प हो चुका है, फेस भी शार्प हो चुका है, बहुत टेक्सचर भी हमारे फोटो में ऐड हो चुकी है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो गाइज बाय बाय।